हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम आ गए हैं माता संकटा के दरबार में और बड़ा ही आनंद आ रहा है गाइस। ये गंगा जी का किनारा है और यहाँ वही आएगा जो बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा, भाग्यशाली होगा। तो हमारे साथ में ऋचा दुबे चश्मा लगा के कानपुर से आई हैं माता संकटा माता के दर्शन करने, और अम्मी चश्मा लगा के अंतस तिवारी चल रहे हैं माता के दर्शन करने और गंगा भी स्नान करेंगे। बहुत अच्छी रोड है, देखिए पीछे कितना साफ कैमरा है, क्योंकि तो नया मोबाइल हमने ले लिया है गाइस, 5G सैमसंग का S23। तो आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी, बताइए। तब तक ये देखिए गाइस, मोक्षदायिनी माँ गंगा, तो ये द्वार है और यहाँ से एंट्री होती है माता संकटा देवी, जो फतेहपुर की शक्तिपीठ है और जितनी भी संकट होते हैं उनको हरने वाली है ये माता। बड़ी अच्छी हैं। और इधर चलो, इधर इधर ये सामने आप लोग देख रहे हैं ये गंगा जी का। आओ आगे आओ, तो ये देखिए गाइस, ये गंगा जी का सुंदर किनारा है और साथ में ये दो लोग, ये भी पुण्य आत्माएं हैं, गंगा जी के किनारे रहती हैं ना इसलिए। और बहुत ज़्यादा गंगा जी भरी हुई हैं, देखिए स्नान नहीं किया तो बेकार हुआ। तो देखिए यहाँ का वातावरण कितना साफ है, सुंदर है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं स्नान करने, ध्यान करने। ये देखिए गाइस, आओ तुम सामने, आप नहीं उछलेगा। ये है माता संकटा माता, संकटा माता हैं ये, और इनके जो दर्शन करता है वो संकटों से दूर हो जाता है, समस्त संकटों को हरने वाली माता है। और बंदरों से सावधान रहें, अपने प्रसाद की रक्षा स्वयं करें, इसमें लिखा है। तो बंदर बहुत ज्यादा हैं। अब माता रानी का दरबार है तो बंदर तो आएंगे भैया। बंदर चलते हैं और देखते हैं माता रानी। ये माता संकटा माता सभी संकटों को हरने वाली है।